नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इन दिन सोमवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और भरनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो धृति नामक शुभ योग रात्रि के प्रातः काल 1:29 रहेगा, उसके उपरांत इस दिन शूल नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय को भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 7:30 से लेकर सुबह के 9:10 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करेंगे। पैसा घर तक साथ रहेगा और परिवार शमशान तक, जबकि कर्म और धर्म इस लोक के साथ परलोक में भी आपका साथ रहेगा। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही आप भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। दोस्तों, ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो सिक्के ही ढूंढता है। दोस्तों, सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ, जो प्रभु ने थोड़े गम दिए, दोस्तों उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल दोस्तों, इसमें परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी जिंदगी से कुछ राहत भी इसमें आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी जो भी कार्य है, जो भी प्लानिंग है, वह इसमें कर सकते हैं। ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, ये समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, पेशे के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी रहेगी, परंतु दोपहर के बाद स्थिति जो है सुलझ जाएगी। किसी भी बात पर जो है विश्वास करने से पहले उसके बारे में आपको इसमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना चाहिए, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। साथ ही दोस्तों, पड़ोसियों के साथ संबंध को इसमें मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके द्वारा लिए गए प्रयत्नों को यश मिलने के लिए और वक्त लग सकता है। अत्यधिक बातों में ये जो समय है आपके लिए, आप रुचि भी ले सकते हैं। आपके अंदर की कला को पेश करने के अवसर भी इसमें आपको प्राप्त हो सकते हैं। लोगों के साथ मेलजोल बना रहने की वजह से भी आपका जो जनसंपर्क का दायरा है वह भी यश में बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, दोस्तों यश में उससे संबंधित अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बन रही है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद भी आपके ऊपर यश में बना रहेगा। दोस्तों, किसी नजदीकी संबंधी द्वारा आपको कोई शुभ सूचना मिलने से आपके मन बहुत अधिक प्रसन्न भी रह सकता है। साथ ही दोस्तों, किसी मित्र से संबंधित कोई पुराना मसला दोबारा उठ सकता है, परंतु उत्तेजित होने के बजाय आपको इसमें शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, इनसे समस्या का समाधान भी इसमें आपको प्राप्त होगा। शॉपिंग आदि करते समय आपको अपने बजट का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपका फोकस बढ़ने की वजह से काम संबंधित जो भी बातें हैं आप जो है वक्त पर पूरे भी कर पाएंगे। दोस्तों, खुद के जो भी काम है उनके प्रति आपका रुचि बढ़ना और एकाग्रता रहना आपको इसमें आर्थिक प्रगति दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दें और काम पर अपना ध्यान को केंद्रित रखें। आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें
कि दोस्तों दिन भर व्यवस्था बनी रहेगी, मेहमान नवाजी तथा मौज मस्ती में भी खुशमय व्यतीत होगा। सूझबूझ से लिए गए जो भी निर्णय होंगे यश में आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूती प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों काम को जो है पूरा करने के प्रति उत्साह भी यश में आपके ऊपर बना रहेगा और आप पूरा जोश और भरकश के साथ कार्यों को यश में कर भी पाएंगे और उनमें अच्छी सफलता भी यश में आप प्राप्त कर पाएंगे। साथी दोस्तों यश में किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी भी आपको पड़ सकती है, परंतु अपने बजट का भी यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। चचेरे भाई बहनों के साथ भी किसी छोटी सी बात को लेकर संबंधों में खटास आ सकती है। बेहतर होगा कि ज़्यादा बाद में ना पड़े और इनसे आप दूर ही रहें तो आपके लिए यश में आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के जो भी काम है या फिर घर संबंधी जो भी आपका कर्जा है यश में कम होगा। दोस्तों आप पर जो बने हुए आर्थिक संकट है उनका तनाव भी यश में आपके ऊपर जो है कम रहेगा, लेकिन दोस्तों इसका जीवन शैली या फिर परिवार पर असर नहीं होगा। करीबी मित्र के द्वारा आपको मदद भी यश में मिल सकती है और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करना होगा आपके लिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि अपने संपर्कों का जो दायरा है और अधिक विस्तृत करें, आपके लिए यह जो है फायदेमंद रहेंगे। महत्वपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के लोगों के साथ उत्तम समय भी यश में व्यतीत होगा। दोस्तों यश में इसका सकारात्मक प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि अपरिचितों लोगों से व्यवहार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा दोस्तों आपका कोई नुकसान भी कर सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी स्वभाव में तनाव और चिड़चिड़ापन आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो मानसिक तकलीफ आपको सता रही थी दोस्तों वह यश में दूर होने लगेंगी। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। साथ ही दोस्तों मन की जो प्रसन्नता है इनकी वजह से खुद के प्रति और अधिक अपने जीवन के प्रति आपका सकारात्मकता बढ़ेगी, जिसके द्वारा दोस्तों आप जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी पर विश्वास इसमें ज़्यादा ना करें, बेहतर होगा कि दोस्तों अपनी उपस्थिति में ही सभी कार्यों को पूरे करवाएं। दोस्तों विद्यार्थियों को भी किसी जो है विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे, जिससे आपका मन भी यश में प्रसन्न रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सभी निर्णय आपको इसमें स्वयं लेने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को स्वयं ही लें, किसी की मदद के बजाय आप स्वयं ही सभी कार्यों को करने में इसमें सक्षम भी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम में जो है इसमें आप रुचि ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अन्यथा दोस्तों मुश्किलें आपके ऊपर आ सकती है, इससे आप परेशान भी हो सकते हैं, तो इनसे आप इसमें बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसायिक के लिए समय होंगे आपको बता दें कि व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेंगी। पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्य में इसमें आपके अधिक से अधिक के समय भी व्यतीत होंगे। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, गुस्से की वजह से कोई भी आपका काम बिगड़ सकता है, तो दोस्तों इसमें इनसे आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि कार्यस्थल तथा नौकरी में आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा आपसी प्रेम और भी सामंजस्य भी उत्तम बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण इसमें खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को इसमें विवाह में परिणित होने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों इसमें पारिवारिक स्वीकृति इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में दिन भर की व्यवस्था के बावजूद भी परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, इनका दुष्प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है।
और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों काम की अधिकता की वजह से कभी कभी तनाव और थकान हावी रहेंगे। बेहतर होगा कि कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि सुस्ती और थकान तो हावी रहेंगे ही तथा दोस्तों काम को करने में आपका मन भी इससे कम लगेगा। मेडिटेशन तथा ध्यान करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, तो दोस्तों इन पर भी आप यश में ध्यान दे सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने की भी आशंका लग रही है, लापरवाही ना बरतें तथा तुरंत इनका इलाज करें। दोस्तों ये जो सभी चीज़ें ये जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।